नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे यूके CCC फर्स्ट गार्ड 894 पदों पर जो वैकेंसी आई है उसका फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। यूके CCC फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म फिल करने के लिए आपको यूके CCC की OTR पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पाना पड़ेगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस पर आप यूके CCC की ऑफिशियल वेबसाइट से भी विजिट कर सकते हैं। तो जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा आपको यहाँ पर इंटरफेस दिखेगा। और फॉर्म को फिल करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, एक बार आप अच्छे से डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ लें, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल करें। तो यूके CCC फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख जाते हैं, एक दिखता है आपको कैंडिडेट रजिस्टर हेयर का, दूसरा है लॉग इन का। अगर आपने यूके CCC में पहले कोई फॉर्म फिल किया है, अगर आपने यूके CCC OTR पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के इस कैप्चा कोड पर क्लिक करके लॉग इन कर लेना है। और फ्रेंड्स, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपको यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना पड़ेगा। तो पहले मैं थोड़ा उनका बता देता हूँ जिन्होंने पहले रजिस्टर किया है उनको क्या प्रोसेस करना है, इसके बाद इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप नए यूजर हैं तो आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर कैप्चा कोड पर क्लिक करके लॉगिन करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे सबसे पहले आपका डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर आना, आपका जो नेम होगा यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको एक पोस्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आपका डैशबोर्ड और एप्लीकेशन हिस्ट्री दिखाएगा, आप अपनी एप्लीकेशन हिस्ट्री यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको देखिए अपनी पर्सनल डिटेल में अपडेट करना है जो पुराने कैंडिडेट हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर नेम अपडेट करना है, तो यहाँ से OTR अपडेट आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। बाकी डिटेल को आप फॉर्म फिल करते टाइम अपडेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए अप्लाई नो एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपको फॉरेस्ट गार्ड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है अप्लाई हेयर पर। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपकी ये सारे स्टेप यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, जो नए कैंडिडेट हैं और जो पुराने कैंडिडेट हैं दोनों को फॉर्म फिल करने का यह स्टेप जो है सेम है, लेकिन जो पुराने कैंडिडेट हैं उनकी डिटेल यहाँ पर फिल होगी और जो नए कैंडिडेट का जो मैं बाद में अभी बताऊंगा उनको यहाँ पर डिटेल फिल करनी पड़ेंगी। ठीक है, उनको सारे स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे, लेकिन जो पुराने कैंडिडेट हैं उनके ये सारे स्टेप कंप्लीट होंगे, उनको 7th स्टेप से कंप्लीट करना है। ठीक है, उनको 7th स्टेप से कंटिन्यू करना है, 7 और 8 स्टेप कंप्लीट करना है। तो ये सारी डिटेल में आपकी ऑलरेडी फिल होंगी, आप अपनी डिटेल को एक बार चेक कर लीजिए, कहीं पर अपडेट करना है तो अपडेट कर लीजिए, एडिट करना है तो एडिट कर लीजिए। इसके बाद आपको 7 नेक्स्ट करते जाना है 7th स्टेप तक। 7th स्टेप में जब हम आ जाएंगे तब वहां से दोनों साथ में कंटिन्यू करेंगे, ओल्ड यूजर भी और नए यूजर भी। तो इसके लिए हम यहाँ पर लॉग आउट कर लेते हैं और अब हम बताते हैं जो नए यूजर हैं जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको कैसे फॉर्म फिल करना है, उनको सारे स्टेप कैसे कंप्लीट करने हैं उसके बारे में बताते हैं। अब देखिए हम नए यूजर का बताते हैं कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा, आपको ये सारे स्टेप को कंप्लीट करना है। और जो पुराने कैंडिडेट हैं वो थोड़ा इस वीडियो को स्किप कर लीजिए क्योंकि आपको 7th स्टेप से कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले कैंडिडेट नेम डालना है, आपको अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पूरा नेम यहाँ पर डालना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है जो कि एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालनी है जो कि एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है, फिर सबमिट करना है। अगर फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आता है तो अपने ईमेल आईडी पे चेक कीजिए, वहां पर जो भी ओटीपी आए इसको यहाँ पर एंटर करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा, ये मेरा एक डेमो अकाउंट है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, तो इसलिए मेरी डिटेल यहाँ पर फिल है। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये आपकी ऑटोमेटिक फिल होंगी क्योंकि आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते टाइम ये डिटेल फिल कर दी है। इसका आपको नेक्स्ट में आना है आइडेंटिटी डिटेल में, यहाँ पर लिखा है आर यू होल्डिंग एन आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। अगर आप नो करते हैं तो आइडेंटिटी टाइप में आपको दूसरा देना पड़ेगा, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर इसकी डिटेल डालनी पड़ेगी, आधार कार्ड नंबर और नेम ऑन आधार कार्ड जो आपके आधार कार्ड में नेम है। इसके बाद देखिए आपके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी, और डेट ऑफ बर्थ आपकी काउंट होगी 1 जुलाई 2021 से। इसके बाद नेशनलिटी यहाँ पर चूज कर लेना है, यहाँ पर लिखा है आर यू ऑर्फन, अगर आप अनाथ है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद अपने फादर का नेम यहाँ पर डालना है, अपने मदर का नेम डालना है, और यहाँ से आप अपना प्रीफिक्स चूज कर सकते हैं जो भी आप लगाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर अपना स्टेट का नाम डालना है, यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट डालनी है, तहसील यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर डालना है विलेज का नेम, और यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर डाल देना है अगर कोई है तो आपके पास स्टडी फोन नंबर, ऑल्टरनेटिव फोन नंबर अगर आपके पास कोई दूसरा और फोन नंबर है तो डाल दीजिए, या इन दोनों को आप छोड़ भी सकते हैं। तो जिस पर ये स्टार मार्क बने हैं उनको डालना आपको जरूरी है। ठीक है, इसका देखिए ये है परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, आपकी बॉडी में कोई मार्क है वो डालना आपको। यदि आपकी बॉडी में कोई मार्क्स नहीं है तो आप नो मार्क भी कर सकते हैं, अगर आपकी बॉडी में कोई कट मार्क्स मोल है तो यहाँ पर डाल सकते हैं। इसका देखिए
अर्जेंट रेजिडेंशियल एरिया, डोमिशियल रेजिडेंशियल एरिया आपको आपको डालना है हिली या प्लेन, इसका जेंडर आपको डालना है और मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर डाल देना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है डोमिसाइल डिजेबिलिटी डिटेल। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर डोमिसाइल की डिटेल डालनी है, वेदर डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यस कीजिए ठीक है, तो आपको यहाँ पर डिटेल डालनी पड़ेगी स्थायी निवास, और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का नेम और इशू डेट डालनी पड़ेगी। अगर आप नो करते हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए आपको उत्तराखंड से हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा। यस करने पर आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और नेम ऑफ स्कूल डालना पड़ेगा। अगर आप इसको भी नो कर देते हैं तो आपको तीसरा स्टेप मिलता है, आपके माता पिता उत्तराखंड में जॉब करने वाले होने चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में, जो कि नॉन ट्रांसफरेबल हो ठीक है। तो यहाँ पर आपको यस करके इसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर आप इन तीनों को नो कर देते हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे ठीक है। अगर आप इसमें से किसी एक को भी यस कर देते हो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास डोमिसाइल है तो मेरे को किसी और को यस करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ डोमिसाइल को यस करूंगा और बाकी डोमिसाइल की डिटेल यानी कि स्थायी निवास की डिटेल डाल के कंटिन्यू करूंगा ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए कैटेगरी डालना है। कैटेगरी में आप जो भी आपकी कैटेगरी है डाल दीजिए। अगर आपकी EWS कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, तो आपको यहाँ पर डिटेल डालनी पड़ेगी। SC ST जो भी है, तो मेरी जनरल है तो मुझे यहाँ पर कोई डिटेल नहीं डालनी पड़ेगी। इसका देखिए यह है आर यू डिफरेंटली एबल, अगर आप दिव्यांग हैं तो यस कीजिए, आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, और नो करते हैं तो कोई डिटेल यहाँ पर नहीं डालनी पड़ेगी। इसका देखिए आर यू एक्स आर्मी पर्सन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये भी आर्मी पर्सन के लिए है, वेलफेयर रिहेबिलेशन ऑफिस एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ठीक है, तो इसको भी आप नो कर दीजिए, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा ठीक है। इसका देखिए आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के फ्रीडम फाइटर तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद आपको सारी डिटेल चेक कर लेनी है और सेव इन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव इन नेक्स्ट करोगे आप आ जाओगे नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर देखिए आपको अपना परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। देखिए परमानेंट एड्रेस क्या होता है, जहाँ के आप स्थायी निवासी हैं ठीक है, और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है जहाँ अभी प्रेजेंट में आप रह रहे हैं ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस में आपको रूम नंबर डालना है, हाउस नंबर, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद बिल्डिंग नंबर, आप बिल्डिंग नेम आपका नहीं है तो छोड़ सकते हैं ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस नेम आपको डाल देना है, एरिया एंड लोकेलिटी अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं, लैंडमार्क है तो डाल दीजिए। इसके बाद स्टेट आपको सेलेक्ट करना जरूरी है, और डिस्ट्रिक्ट आपको डालना है, तहसील आपको डालनी है, विलेज का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, पिन कोड यहाँ पर डाल देना है, और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पर डाल देना है ठीक है। ये सारी डिटेल डालने के बाद अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। ऐसा करने से आपके दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पर इसको टिक नहीं करना है, और यहाँ पर करेस्पॉन्डेंस एड्रेस की डिटेल डालनी है। इसके बाद आपको सारी डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप आ जाओगे स्टेप थर्ड में। यहाँ पर देखिए अदर डिटेल, अगर आप उत्तराखंड एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है और अपनी डिटेल यहाँ पर डाल देनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और वैलिडिटी। अगर आप नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पर नो कर दीजिए। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का कार्ड एक्सपायर हो गया तो आप यहाँ पर रॉन्ग डिटेल फिल ना करें, आप सिंपल यहाँ पर नो कर दीजिए। अगर आपके पास 2 साल का टेरिटोरियल आर्मी में एक्सपीरियंस है तो यस कीजिए, और उसके बाद डिटेल डालनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। इसके बाद NCC NSS आपके पास सर्टिफिकेट हो यस कीजिए, और यहाँ पर डिटेल डाल दीजिए, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद देखिए ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन, अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है तो यहाँ पर यस कीजिए, और नहीं है तो नो कर दीजिए। इसके बाद अगर आपको UPSC SSC स्टेट PCS बोर्ड ने कभी ब्लैक लिस्ट किया है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। नेक्स्ट है अदर डिटेल ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपको देखिए प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अगर आप ग्रामीण एरिया से तो आप रूरल करेंगे, अगर आप शहरी एरिया से तो आप अर्बन करेंगे ठीक है। इसके बाद देखिए प्लेस ऑफ स्कूलिंग, इसमें भी आप रूरल अर्बन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ क्लास 10th क्वालिफिकेशन, अगर गवर्नमेंट से किया तो गवर्नमेंट कीजिए और प्राइवेट से किया तो प्राइवेट कीजिए। फादर का क्वालिफिकेशन डालना है, फादर का ऑक्यूपेशन, व्यवसाय क्या है फादर का, तो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद देखिए मदर क्वालिफिकेशन डालनी है, जो भी आपकी मदर की क्वालिफिकेशन है, मदर का ऑक्यूपेशन डालना है, और इसके बाद देखिए मोड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे आप तैयारी करते हैं। नेक्स्ट आपको फैमिली की एनुअल इनकम यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी फैमिली की एनुअल इनकम है ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आप आ जाओगे नेक्स्ट स्टेप पर क्वालिफिकेशन डिटेल, यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल डालनी है। सबसे पहले आप अपनी 10th की डिटेल डालोगी, यहाँ पर आपको देखिए क्वालिफिकेशन टाइप सेलेक्ट कर लेना है, हाई स्कूल ईयर यहाँ पर डाल देना है, जिस भी ईयर में आपने हाई स्कूल पास किया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेम ऑफ कोर्स, यहाँ पर आपको देखिए इसको सेलेक्ट कर लेना है एजिटिक। इसके बाद सब्जेक्ट में भी इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, अगर आपका स्टेट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर टाइप आप कर सकते हैं ठीक है। इसके बाद देखिए बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर अपना बोर्ड डाल दीजिए, अगर आप CBSE तो CBSE डालिए,
अगर आप उत्तराखंड बोर्ड से हैं तो स्टेट बोर्ड डालिए, अगर आपके बोर्ड का नाम इसमें नहीं है तो आप अदर बोर्ड डालिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टेट बोर्ड डाल दिया। रिजल्ट का आपको यहाँ डालना है पास, कोर्स ड्यूरेशन 1 साल का, रिमार्क आप छोड़ सकते हैं इसका। देखिए रिजल्ट टाइप यहाँ पर आप मार्क्स चूज कीजिए, अगर आपका सीजीपी है तो आप सीजीपी चूज कर सकते हैं। तो मेरा मार्क्स है तो मैंने मार्क्स चूज किया। यहाँ पर देखिए आउट ऑफ टोटल मार्क्स यहाँ पर डालने हैं, कितने मार्क्स का था आपका हाई स्कूल और कितने मार्क्स आपको मिले, ठीक है। यहाँ पर डालना है ऑप्टेन मार्क्स, इसका देखिए परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। डिविजन आपको आपको सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी डिविजन है। सारी डिटेल डालने के बाद आपको एड कर देना है इसको। यहाँ पर देखिए आपकी 10th की डिटेल एड हो गई है। इसके बाद आपको 12th की डिटेल डालनी है। 12th की डिटेल डालना जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की शैक्षिक अर्हता है वो है इंटरमीडिएट पास, तो आपको 12th की डिटेल डालना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर 12th के लिए 10+2 सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर फिर मैं ईयर डाल दूंगा, इसका नेम ऑफ कोर्स डालूंगा, जिस भी स्ट्रीम से किया है, साइंस आर्ट जो भी आपका वो डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट आपको चूज करने पड़ेंगे। तो मैंने अपने सारे सब्जेक्ट यहाँ पर चूज कर लिए। इसके बाद आपको स्टेट डालना है, नेक्स्ट आपको बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, अगर आप उत्तराखंड से बोर्ड से हैं तो स्टेट बोर्ड कीजिए। इसका रिजल्ट टाइप में आप पास करना है। इसके बाद कोर्स ड्यूरेशन 1 ईयर आपको कर देना है, रिमार्क आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए रिजल्ट टाइप में आपको देखिए डालना है मार्क्स और आउट ऑफ कितने टोटल मार्क्स थे आपके और कितने मार्क्स आपको मिले, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर आपको डिवीजन डाल देना अपना और सारी डिटेल डालने के बाद आपको ऐड कर देना है इसको। तो देखिए यहाँ पर 10th और 12th की डिटेल आपके ऐड हो गई है, सारी डिटेल आप चेक कर लीजिए। अगर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है, तो यहाँ से आप ग्रेजुएशन की डिटेल डाल सकते हैं। ये सब डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आप स्टेप 5 में आ जाओगे, यहाँ पर आपको वर्क एक्सपीरियंस डालना है, अगर है तो यस कीजिए और आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, नहीं है तो आप नो कर दीजिए और नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है, तो मैंने यहाँ पर फोटो अपलोड कर दी है। फोटो अपलोड करने के लिए जैसे फोटोग्राफ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और अपनी फोटो को अपलोड करना है। नेक्स्ट आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, यहाँ पर क्लिक करके इसको अपलोड करना है। और तीसरा आपको अपलोड करना है लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यानी कि बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, ठीक है। ये सारी ये सब अपलोड करने के बाद आपको इस पर टिक करना है और यहाँ पर आपको 7x पर क्लिक कर देना है। तो अब हम आगे हैं नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 7 में। यहाँ पर देखिए दोनों की प्रोसेस जो है सेम है, जो नए कैंडिडेट हैं उनकी भी और जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर सेम प्रोसेस करना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले है फॉरेस्ट गार्ड, आपका कोड दिया है, नीचे दिया गया हैव यू पास इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। इसका देखिए कोर्स ड्यूरेशन 1 ईयर जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये है फिजिकल रिक्वायरमेंट, यहाँ पर आपको डालनी है, आर यू हिल सर्टिफिकेट कैंडिडेट, तो आपको यहाँ पर यस या नो में आंसर करना है। आपके पास अगर हिल सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर यस करना है, आपको उसका रिलैक्सेशन मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा। अगर आप नहीं है तो आप नो कर दीजिए, जैसे मैं नहीं हूँ। तो मेरे को यहाँ पर अपनी हाइट डालनी है, हाइट देखिए आपको बताया गया नोटिफिकेशन में कितनी हाइट आपको चाहिए। यहाँ पर आपको चेस्ट डालनी है और ओनली मेल कैंडिडेट को यहाँ पर चेस्ट की डिटेल डालनी है। ये है विदाउट स्ट्रेच, यानी कि बिना फुलाए हुए यहाँ पर छाती की आपको नाप डालनी है और यहाँ पर आपको फुलाने के बाद जो है चेस्ट की नाप डालनी है आफ्टर स्ट्रेच, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर फुलाना आवश्यक है। तो एक बार अच्छे से आप डिटेल में देख लीजिए हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट कितना मांगा गया है नोटिफिकेशन में, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट सिस्टम में आ जाओगे, यहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी चेक कर लीजिए, फोटो सिग्नेचर जो भी डिटेल आपको चेक करना है सब चेक कर लीजिए। अगर आपको कहीं पर मिस्टेक लगती है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, उस सेक्शन में आप एडिट कर सकते हैं। फिर नीचे आपको स्क्रॉल करना है, सारी डिटेल को चेक करने के बाद आपको यहाँ पर प्लेस का नेम डालना है जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जाना है फर्स्ट चॉइस एग्जामिनेशन सेंटर, जहाँ पर एग्जाम देना चाहते हो। पहली चॉइस आपकी जो है, तो जैसे मेरी पहली चॉइस है हल्द्वानी, तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, डिस्ट्रिक्ट डालना आपको। इसके बाद देखिए दूसरा आपको डालना है, मेरा अल्मोड़ा मैंने डाल दिया दूसरा, और यहाँ पर मैंने प्लेस डाल दिया हल्द्वानी, ठीक है। तो ये डालने के बाद आपको देखिए यहाँ पर पेमेंट गेटवे देखेंगे, यहाँ पर देखिए 3 पेमेंट गेटवे हैं। ये देखिए पेमेंट गेटवे हैं, अगर आपके पास SBI का कार्ड है या किसी अदर बैंक का कार्ड है उससे भी पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ये गेटवे दिए हैं, किसी एक को आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद आपको पे नाउ पर क्लिक करना है, इसके बाद एग्री एंड पे पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं और आपका 300 रुपये ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा। जैसे मैं डेबिट कार्ड ATM से करना चाहता हूँ, मैं डेबिट कार्ड सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV डाल के मैं पेमेंट कर दूंगा और मेरा ट्रांजेक्शन यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा, मेरा पेमेंट हो जाएगा और मेरा फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको UK CCC फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म फिलअप करना है। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हमने आपको बताया। इसके बाद आप इसको प्रिंट ले सकते हैं, इसका दोबारा लॉगिन करके भी प्रिंट लेने के लिए आपको पोस्ट में जाना पड़ेगा, वहां पर आपको फॉरेस्ट गार्ड का ऑप्शन दिखेगा, एक्शन बटन से आप इसका प्रिंट ले सकते हैं।
तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।